हाय एवरीवन, तो जैसा कि आप सबने देखा पिछले ब्लॉग में नीतू ने वैक्सीनेशन लगवाया, उसके बाद हाल ये है 98.3 अब हुआ है, लेकिन बॉडी अभी भी काफ़ी गर्म है और इसके पूरा बॉडी पेन हो रहा है। क्या हुआ नीतू, ऐसे क्यों बैठी हो? पेन हो रहा है? ये देखो थर्ड क्लास एक्टिंग, ये नकली पेन की एक्टिंग करती हुई नीतू। सच में पेन हो रहा है नीतू, पहले दिन कुछ भी नहीं होता, मैंने वैक्सीन लगवाई, ठीक है ना? मूव नहीं हो रहा यार, पागल हो? रुको जरा, सबर करो। ये देखो, अब तो मेरा थोड़ा सा काम कर दोगे प्लीज? ये ही तो थी तेरी ट्रिक नीतू, मैं समझता हूँ सब कुछ। इसको मेरे से काम कराना है, इसीलिए इसने देखो पेन का बहाना ले लिया। कहाँ पे? अच्छा ठीक है, और क्या करूँ? ठीक, और कुछ खाना वाना ले आऊँ? हाँ हाँ, मुझे लगता है वैक्सीन का जो इंजेक्शन है ना, वो तेरे पैरों में लगाया है, है ना? था कि जब हाँ, वैक्सीन लगा ना, उसके बाद उसका काम नहीं करते। हाँ नहीं, पैर दबा लेना। ठीक है, पैर और गला? गला बोले दबाने के लिए? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। हाय एवरीवन, तो जैसा कि आप सबने देखा पिछले ब्लॉग में नीतू ने वैक्सीनेशन लगवाया, उसके बाद हाल ये है 98.3 अब हुआ है, लेकिन बॉडी अभी भी काफ़ी गर्म है और इसके पूरा बॉडी पेन हो रहा है। और अब देखिए ये पड़ी मैडम आराम से, कल तक बहुत शेरशाह बन रही थी अपने आप को, मुझे कुछ नहीं हुआ वैक्सीन लगा के, अब ऑन दे वो पड़ी हुई है। नीतू कैसा लग रहा है? ये है इसका टूल जिसको ये बोलते ठक ठक, इसको ऐसे कमर पे करने से नीतू को बहुत आराम मिलता है। और मैं, इसने स्पेशली मेरे को बुलाया, मैं घर से आया हूँ इसकी ठक ठक मसाज करने के लिए। बहुत जालिम दुनिया है। दोबारा इसकी तबीयत खराब हो चुकी है, मुझे लगता है कि नाटक कर रही है। अभी खाने के नाम पे उसने इतना सारा खाया, इतना सारा ऑक्सीजन लेवल एकदम ठीक। कल तो बहुत परेशान थे, अभी खाना खाएगी तो क्या खाएगी? फिश। ऐसा में मारने मिलेगा बीमार के सारे टेस्ट टेस्ट कर चुके हैं, अब इसके कुछ नहीं पता। स्पाइसी और कुछ चटपटा खाने का, यहाँ पर ही मेरी वैक्सीन लगी तो इसी को दबाया जा रहा है। अच्छा, इसको नहीं दबाना है यार, हाथ ठीक है ठीक है। पर आपको मैंने दिखाया था इसका एक टूल, ठक 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 का नहीं रू उधर पड़ा है। हाय राम, नीतू अभी थोड़ा बेटर फील कर रही है क्योंकि वो बेड पर पड़ी हुई थी दो दिन से, तो मैंने उसको तैयार करा के कुछ रील्स बनवाई। आई चलते हैं उसकी फेवरेट चीज लेके। इतनी बड़ी थुस्सड़ है ना, ये भी खा लेगी, इसको देखना। आज देखो ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा? ठीक लग रहा है, बेड पे पड़ी रहेगी तो कुछ होगा थोड़ी, टेस्ट वापस नहीं आया। कोरोना नहीं हुआ, वैक्सीन लगी है, ये होते ड्रामे, थर्ड क्लास एक्टिंग। टेस्ट वापस ले,
नीतू ये क्या है, ये क्या हरकत है यार, इसको इसको पूरा का झाड़ तुमने कोई बात नहीं, नहीं बिना टेस्ट के का यार, ये प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, कोई प्यार नहीं बढ़ रहा, प्यार बढ़ेगा, नहीं तो तो टेस्ट नहीं आ रहा, तो कोविड हुआ, कोविड नहीं है ये, हो रहा है, डॉक्टर ने बोला था टेस्ट चला जाएगा कुछ दिन के लिए, तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं भाई, मैं हूँ यूपी से, फ्री का तो हम जहरी भी खा जाए, तो ये क्यों नहीं, दीदी लेकर आई हो जहरी, अब जामे मेकअप बता रही हूँ, अब नहीं बना रही कोई रील, नहीं तो ऐसे ही रहे यार, फिट रहेगी तो फिट फील करेगी यार, इतना मेकअप किया हुआ है, नींद भी आ रही, और सिर्फ वीकनेस है, मुझसे खड़ा नहीं हो पा रही हूँ मैं ठीक से खड़ी, अगर कभी मुझे फीवर हो जाए तो आप ये मुझे भेज सकते हो, ये इसका फेवरेट डी है, ये मैं अपने लिए लेकर आई थी मार्केट से, अब ये खा रहा है, लगन मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब मैं खा लूंगी यार, प्लीज मत खाओ इसे, तब तक सड़ जाएगा, नहीं तेरे को क्या सड़ा को तो खाने का सड़ेगा नहीं आपको, मत खाना ठीक है, इसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, इसका खाना फिनिश करने में कोई जरूरत नहीं है, इतनी भी तब मैं ठीक हो जाऊंगी कल तक, आज ही पता है कल तक ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाओ, तो सुला देता हूँ ना, नहीं तो मेरे बाल खराब कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मैंने कर्ल्स किए हैं, मेरी सिस्टर ने किए, मैंने नहीं किए क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो मेरी सिस्टर ने हेल्प की, सच बाहर आ ही जाता है, हां तो मैं नहीं कर पा रही थी, मेरे हाथ में दर्द है, अब गाइस प्लीज परेशान मत करो ना, ये सोने जा रही है, तो इसको दे दो, ये तुम ब्लॉग बना दो ना, हां एक ब्लॉग करता है, इसको दे दो, नहीं तो लेकिन नहीं ये मत लो दीदी, इसको फ्रिज में रख देना प्लीज, प्लीज दीदी इसको फ्रिज में रख दे, इसको मत दियो दीदी, फ्रिज में रख देना इसको, ठीक है, लेकिन तुम अपने घर जाओ, अरे मैं जा मैं तो मुझे सोने दो, और सुनो मेरी फिर से कोई भी चीज मत खाना प्लीज यार, सो 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 जा, कुछ नहीं होने वाला, सो जा, अच्छा सो जा, चलो चलो बाय गाइस, मैं जा रहा हूँ ठीक है, और इसके फिर से कुछ भी नहीं खाना, आप याद रखना, और अगर कोई खाए तो आप लोग बता देना इसको, ठीक है ना, बाय, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, बाय नीतू, तो फीवर होना बहुत नॉर्मल है, ये होना बहुत जरूरी है फीवर, अगर आपको फीवर हो रहा है तो टेंशन मत लो, एक दिन रहेगा, मैं भगवान से मांग कर रही हूँ प्लीज़ आज मुझे कुछ ना हो, आज मुझे फीवर ना हो, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी वीडियोस और रील्स बनानी है, तो वीकनेस है, मैं आज बैठ के ही सब कुछ करूँगी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, खड़ी मतलब हो रही हूँ, फिर पाँच मिनट के बाद मैं थक जा रही हूँ, तो मतलब मैं खड़ी हो रही हूँ, फिर मैं ऐसे मेरा ऐसा लगा जैसे फैन, जैसे हम फैन को देखते हैं ना वो गोल गोल घूमता है, वैसे ही ना मेरे सर पर कुछ ना कुछ गोल गोल घूमता है, तो आज मैं देखती हूँ अगर मेरी हालत ठीक रही तो मैं बहुत सारे काम करूँगी, जो मैंने तीन दिन अपने वेस्ट किए हैं उसको रिकवर करूँगी हर चीज़ को, तो गाइस अगर आप वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ जाओ, और फीवर आ रहा है तो अच्छी बात है, रेस्ट करो, इतना रेस्ट मिल रहा है, इस रेस्ट में ना आपको कहीं जाने की मतलब टेंशन, ना ही वर्कआउट की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो, हाँ इसके बाद आपको चटपटा खाने का बहुत मन करेगा, क्योंकि फीवर आने के बाद चटपटा खाने का बहुत मन करता है ना, तो मुझे चटपटा खाने का कल बहुत मन करा था, मेरी सिस्टर को मैगी खाने का मन करा था, मेरा टैटू खाने का मन करा था, लेकिन हमने कुछ नहीं खाया बाहर का, क्योंकि हमें पता था अगर हम बाहर से कुछ भी खाते हैं तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने अवॉइड किया, हमने घर पर दाल बनवाई, राइस बनवाई, रोटी सब्जी हमने वही खाया, हम बाहर का, हम लोग प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं और जूस बहुत पी रहे हैं, तो ये सभी चल रहा है, और मैं आपको ये बोलूँगी घर का ही खाओ, बाहर का जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि बाहर का खाना कहीं ना कहीं अनहेल्दी होता ही है, तो बाहर का मत खाओ, घर का ही खाओ, और प्लीज़ घर पर ही रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, स्टे होम स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।